फूड लवर्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। रक्षाबंधन नज़दीक है तो इस रक्षाबंधन पे आप बिना गैस चलाए 2 से 3 मिनट में ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये मिठाई की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब बिना गैस चलाए 2 से 3 मिनट में स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। गैस चलाए 2 से 3 मिनट में स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है ये 1 कप के करीब भुना हुआ चना दाल। ये आपको किसी भी किराने की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इस भुने हुए चने दाल से मिठाई बना रहे हैं तो आपकी मिठाई जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगी और बहुत ही कम समय में आपका मिठाई बनके तैयार होगा। तो सबसे पहले हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, तो मैं इसे एक मिक्सी जार के अंदर ऐड करके एकदम पाउडर फॉर्म में रेडी कर लूँगी। अब भुने हुए चने को मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं कि एकदम पाउडर फॉर्म में मैंने इसे रेडी किया हुआ है। आप अगर ये मिठाई बना रहे हैं तो इस बात का आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मिठाई के अंदर कच्चापन आएगा। हमारा जो चना दाल है वो पहले से ही भुना हुआ है तो उसकी वजह से हमारे मिठाई के अंदर बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आएगा। अब इस चने दाल के पाउडर को हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर मैं 4 से 5 चम्मच के करीब डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ऐड करूँगी। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने 2 तरीके से बताया हुआ है कि आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर घर में किस तरीके से बना के रेडी कर सकते हैं। 4 से 5 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर से हमारे मिठाई के अंदर एकदम खोए जैसा टेस्ट आएगा। और इसके अंदर मैं शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। मीठा आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़े से बारीक कटे हुए इसके अंदर मैं बादाम और पिस्ता ऐड कर रही हूँ। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा टूटी फूटी ऐड कर रही हूँ, ये टोटल ऑप्शनल है। हमारे मिठाई का कलर अच्छा है उसके लिए मैं इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर केसर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से गुनगुने दूध के अंदर आप केसर के धागे ऐड कर दीजिए। जब केसर का कलर अच्छे से दूध के अंदर आ जाए तो वही दूध आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब इन सारी सामग्रियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच के करीब इलायची का पाउडर ऐड करूँगी। अब इलायची पाउडर भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने 1/2 कप के करीब ठंडा दूध लिया हुआ है। ये मिठाई बनाने के लिए आपको गर्म दूध का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठंडा दूध का ही आप यूज़ करें। और मेरे चैनल पे फ्रेंड्स, मैंने भुने हुए चने दाल से 2-3 तरीके की मिठाई की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। और भी अलग अलग तरीके की मिठाई की रेसिपी मेरे चैनल पे है, उसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे, एक साथ हमें दूध इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं हमारे मिठाई के मिश्रण का डो तैयार हो चुका है। मैंने 1/2 कप के करीब दूध लिया था, पूरा दूध मैंने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। बाइंडिंग के लिए हमें दूध का जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही हमें दूध इसके अंदर यूज़ करना है। थोड़ा थोड़ा दूध आप इसके अंदर ऐड करते रहें और मिश्रण को मिक्स करते रहें, तभी आपको पता चलेगा कि आपके मिठाई के डो के अंदर कितना दूध का रिक्वायरमेंट है। अब डो को हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, तो उसके लिए मैं हाथों में थोड़ा सा घी ले लूँगी और इसे मैं चिकना कर लूँगी। अब हमारे मिठाई का मिश्रण भी अच्छे से चिकना हो चुका है। अब मिठाई के मिश्रण को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले मिठाई के मिश्रण को हमें इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से करने के बाद हमें इसे इस तरीके से रोल करना है। रोल करते समय इसे हमें ज़्यादा पतला रोल नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसे मोटा ही रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितने अच्छे से रोल कर लिया हुआ है। अब हमारे मिठाई को अच्छा लुक देने के लिए मैंने ये पिस्ता को बारीक कट करके ले लिया है। आप चाहे तो चांदी का वर्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिस्ता को मैं इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर कर देती हूँ।
और इसे हम इस तरीके से रोल कर देंगे कि पिस्ता इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। आप देख सकते हैं कि पिस्ता कितने अच्छे से इसके ऊपर चिपक चुका है। इसी तरीके से दूसरे रोल पे भी हम पिस्ता को अच्छे से गार्निश कर लेंगे। अब दोनों मिठाई के रोल पे हमारे पिस्ता अच्छे से गार्निश हो चुके हैं। मैंने सिल्वर फॉइल लिया हुआ है, सिल्वर फॉइल के अंदर हम इस मिठाई के रोल को कवर करेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम मिठाई के रोल को रख देंगे और इसे हम कवर कर देंगे। इसे कवर करके हम एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने मिठाई को फ्रिज में से निकाल लिया हुआ है। पूरे एक घंटे तक इसे मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। अब फॉइल पेपर में से इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी मिठाई कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। आप चाहे तो इसे एक घंटा से ज़्यादा भी फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैं आपको मिठाई को कट करके दिखाती हूँ। इस साइड के पार्ट को हम इस तरीके से साइड में रख देंगे। ज़्यादा पतले पीसेस पे हमें इसे कट नहीं करना है। मैं आपको एक मिठाई का पीस निकाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिना गैस चलाए हमारी ये स्वादिष्ट सी मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।